हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शीन्स लाइफ। और मैं हूँ अफशीन अशरफ। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो पे है स्किन टैन की रेमेडी। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन पे इस वक्त कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ हुआ और कितनी टैनिंग हो रही है। तो मैंने सोचा जी आज जो है इस स्किन का, इस सन टैन का इलाज करते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। और किचन की तरफ जाने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैंने सोचा बता दूँ। रेमेडी जी बहुत ही आसान है। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून बेसन। 1 टीस्पून मैं यहाँ ले रही हूँ हल्दी। हल्दी आप लोग भी कम ही लीजिएगा, क्योंकि हल्दी जो है अपना स्टेन स्किन पे छोड़ती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1.5 टीस्पून लिया। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ टमाटर ले लिया और उसको नींबू की तरह अच्छी तरह दबा लिया ताकि उसका जो जूस है वो निकालने में हमें आसानी हो। और फिर हम इसको सेंटर से काट लेंगे। हमें सिर्फ इसका हाफ ही पीस चाहिए और अब हाफ पीस को हम अच्छी तरह दबा के उसका जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ताकि वो हमारे पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस हमें इतना ही चाहिए। इसके बाद बारी आती है हमारे दही की, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है और हमारे इस पूरे पेस्ट को बनाने में हेल्प करेगा। आप दही जो है उस हिसाब से ले सकते हैं जितना भी आपका पेस्ट जब तक बन जाए। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो दही यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद जब मेरा पेस्ट जो है वो थिक बना था तो इसमें मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर लूँगी ताकि मेरा पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी हो जाए कि वो मेरे फेस पर टिक जाए। तो जी ये देखिए हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, अब इसे अप्लाई करते हैं। तो जी मैंने फेस पैक बना लिया है और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे लगाते हैं और लगाने के लिए हम सबसे पहले अपने बाल बनाते हैं। अब जी हम पूरी तरह रेडी हैं इस मास्क को अपने मुंह पे लगाने के लिए। इसमें है दही जिसमें है लैक्टिक एसिड, और जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी स्किन को क्लियर करने में और डेड स्किन सेल्स को हटाने में। और इसमें माइल्ड सी ब्लीचिंग पावर भी होती है, तो जो कि हमारे स्कार्स, एक्नी स्कार्स जो हमारे रह जाते हैं उनको लाइट करने के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर इसमें हमने डाला था जी टमाटो, जो कि एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, ऑयल रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। मेरी बेसिकली स्किन जो है वो बहुत ऑयली है, तो मैं ऐसी टिप्स ढूंढती रहती हूँ जो मुझे किसी भी तरह हेल्प करें ऑयल रिडक्शन के लिए। तो टमाटो ऑयल रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। जिन भी लोगों को ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है वो ज़रूर टमाटो यूज़ करें। और टमाटो की जी खासियत यह होती है कि यह आपकी स्किन को जो है टाइट कर देता है और ब्राइट कर देता है, तो आपकी बड़ी स्किन ग्लोई ग्लोई लगती है। फिर हमने इसमें डाली थी हल्दी, और जी हल्दी जो है आपको एक ग्लो देती है। और अक्सर आपने सुना ही होगा कि हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पे भी पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, तो हल्दी जो है एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, तो जो कि आपकी स्किन को ग्लो देती है और ये भी आपके स्कार्स कम करती है। सारे मिक्सचर बन के ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारा बेसन। तो बेसन जो है स्किन को रेडिएंट बनाता है, और बेसन को आप वैसे फेस वॉश की तरह नॉर्मली भी डेज में यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसन को यूज़ करती हूँ जब मुझे बहुत डल सी स्किन लग रही होती है, तो बेसन बहुत हेल्प करता है उसको एकदम से रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग कर। अब मेरा मास्क हमने सुखाना है, जब तक मैं सोचती हूँ जी ये सिम्टम मुझे हुआ कैसे था। तो जी हम पहुँचे थे चरना आइलैंड अपने दिन एंजॉय करने। अब आप लोग बोलेंगे अफशीन इतनी खूबसूरत जगह गई थी तो लोग क्यों नहीं शेयर किया। तो जी वो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि जिस वक्त मैं गई थी उस वक्त लाइफ हमें दे रही थी लेमन, तो हमने सोचा चलो जी लेमन का लेमनेड बना लेते हैं। तो लेमनेड तो बना नहीं, बट उल्टा हमें सिमटम हो गया। और उस दिन मुझे एक बात पता चली, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी बहन छूट के जान नहीं दे सकती। सबने क्लिप जंपिंग की, हम तैर के गए जी, हमने कोई रिक्स नहीं लिया। और यहीं पे इस छोटी सी स्टोरी के साथ हमारा मास्क सूख गया है। अब हम अपने हाथ गीले करेंगे और थोड़ा सा स्क्रब की तरह इसको मसाज करेंगे अपने फेस पे। अच्छी तरह से गीला कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ड्राई हो जाता है, फिर आप एकदम रोबोटिक हो जाते हैं, तो अपने पास पानी पहले से ही रखिएगा।
अब यहाँ हम हल्के हल्के हाथ से इसको मसाज करना स्टार्ट करेंगे। तो जी हमने यहाँ 10-15 मिनट में अपना मसाज किया, अपने फेस मास्क को है जो लूज़ किया। उसके बाद अच्छे मसाज के बाद हमने यहाँ सोचा कि अब जाके मुझे अपना फ़ेस वॉश कर लेना चाहिए, तो मैं कर आती हूँ अपना फ़ेस वॉश। तो जी मैंने फेस मास्क धो लिया है और ये है जी रिज़ल्ट। आई एम वेरी हैप्पी विद रिज़ल्ट। ये देखें, काफ़ी डार्क हो रहा था, अगर आपने नोटिस नहीं किया मेरा फेस तो आप वीडियो के स्टार्ट में जाके जो है वो देख सकते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी विद रिज़ल्ट। मैं इसको जो है वो 3 बार अभी यूज़ करने वाली हूँ 1 वीक में, तो 7 डेज बाद मैं आपसे इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी कि इसका मुझे फ़ाइनल रिस्पांस या रिज़ल्ट क्या मिला। लेकिन अभी मेरी स्किन जो है वो बहुत फ्रेश फील हो रही है और पहले के मुकाबले में थोड़ी लाइट लग रही है मुझे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्क्रीन पर क्या डिफरेंस फ़ील हो रहा है। तो मैं इसके 7 दिन बाद जो रिज़ल्ट्स हैं फ़ाइनल वो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप इजीली मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।